मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के जो आदेश था कि 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भाजपा सरकार जो है वो जश्न मनाएगी, लेकिन तीरथ सरकार ने इस आदेश को पूरी तरीके से पलट दिया है। निश्चित रूप से तीरथ सरकार ने एक पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका, जो हम कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष में होते हुए विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी, इस बात को तीरथ सरकार ने पूरी तरीके से साबित किया है कि जो पिछले 4 साल थे उस 4 सालों में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास उत्तराखंड में नहीं हुआ। त्रिवेंद्र सरकार जनहित की योजनाओं से परे सरकार थी। जनहित का कोई भी कार्य 4 सालों में त्रिवेंद्र सरकार ने नहीं किया। इस बात को पूरी तरीके से तीरथ सरकार ने इस बात को साबित कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिस बात को बराबर कह रही थी कि ये त्रिवेंद्र सरकार जो चल रही है वो किसी भी प्रकार से जनहित योजनाओं को लागू नहीं कर रही है, तो इस बात का आज पूरी तरीके से प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि पिछले 4 साल पूरी तरीके से बेकार गए। और जब 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिवेंद्र सरकार कोई विकास योजनाएं नहीं ला पाई, विकास का कोई कार्य नहीं कर पाई, तो निश्चित रूप से आने वाले 8-9 महीने में कोई भी विकास की उम्मीद इस सरकार से रखना नाइंसाफ़ी होगा और जनता को केवल गुमराह करने के अलावा ये सरकार कोई कार्य नहीं करेगी। 2022 निश्चित रूप से बदलाव का साल है। कांग्रेस सत्ता में आएगी और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लाने के लिए उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने अपना मन बना लिया है।